أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों दीगर सामने नजरात, हम ग्रेड टू की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा हम क्लास कवर कर चुके हैं. लास्ट टाइम हम जो मल्टीप्लिकेशन पे थे, अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को जो है थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. अब इसमें देखिए, हमजा हैड 8 बलून्स. हमजा के पास कितने बलून्स हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, 8 बलून्स. जुबैर टुक 2 बलून्स फ्रॉम, तो ये जुबैर है. जुबैर ने हमजा से 2 बलून्स ले लिया, अपन यानी कि 8 टोटल बलून्स से 2 ले लिए. किसने? जुबैर ने ले लिए. ये जुबैर है, ये हमजा है, तो 2 इसके पास आ गया. तो 8 माइनस 2, तो उसका मतलब है 6 बलून्स जो है अब हमजा के पास कितने रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बलून्स रह गए. हमजा के पास 6 बलून्स. फिर अली ने 2 बलून्स और ले लिए, अली है, इसने भी 2 ले लिए, तो अब हमजा के पास 4 रह गए. यानी 6 थे हमजा के पास, लेकिन 2 ले लिए अली ने, तो फिर अब 4 रह गए, माइनस करेंगे. ठीक है ना, ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आगे जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो इन्हीं वर्डिंग से हमने अंदाजा लगाना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है. तो हमजा के पास अब कितने रह गए? 4 बलून्स रह गए. फिर अहमद आ गया, ये अहमद है, उसने फर्दर 2 बलून्स ले लिए, तो 4 उसके पास थे, 2 फर्दर ले लिए तो 2 बचे. तो हमजा के पास अब कितने बचे? 2 बलून्स ही बचे. फिर आसिफ ने, एक और दोस्त आया, उसने 2 बलून्स ले लिए, हमजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा. तो हमजा के पास 2 बलून्स थे और वो 2 बलून्स किसने ले लिए? आसिफ ने ले लिए. तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो हमजा वाज लेफ्ट 0 बलून्स, हमजा के पास 0 बलून्स. हाउ मेनी टाइम्स डिड हमजा सबट्रैक्ट 2? हमजा ने कितनी बार, यानी हमजा ने 2 को सबट्रैक्ट करा. 8 बलून्स थे, उसने फिर 2 दिए किसी को, फिर 2 किसी को दिए, फिर 2 किसी को दिए, फिर 4 बार उसने 2 दिए. तो कितने बार उसने दिया? 4 बार जो है, 4 टाइम्स हमजा सबट्रैक्टेड 2. कितनी बार 2 को उसने सबट्रैक्ट करा? 4 टाइम्स. ठीक है, देयर आर 10 स्टार्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सबट्रैक्ट 2? अब हमारे पास कितने स्टार्स हैं? टोटल 10 स्टार्स. तो 2 अगर आप माइनस करेंगे, 2 10 माइनस 2, फिर जो आंसर आए 8 माइनस 2, फिर जो आंसर आए 6 माइनस 2, इस तरह आप कितनी बार करेंगे कि आपके पास 10 स्टार्स खत्म हो जाए. देखिए 10 है, इसमें से पहले 2 सबट्रैक्ट करेंगे एक बार, फिर दूसरी बार 2 सबट्रैक्ट करेंगे, फिर तीसरी बार 2 सबट्रैक्ट करेंगे, फिर चौथी बार 2 सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब पांचवी बार 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास 0 बचेंगे. यानी 10 स्टार्स को हम 2 सबट्रैक्ट कर सकते हैं कितनी बार? 5 बार. 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिखा हुआ. 10 में से 2 सबट्रैक्ट करें 8, फिर 8 आ गया, 8 में से 2 सबट्रैक्ट करें 6, 6 में से 2 4, 4 में से 2 2, 2 माइनस 2 0. तो वी कैन सबट्रैक्ट 2 5 टाइम्स. कितने टाइम? 5 टाइम्स. पांच बार काउंट द ऑब्जेक्ट, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम देम टिल यू आर लेफ्ट विद 0. ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट्स हैं यानी पेंसिल से, इनको काउंट करें कितनी है, और फिर इस वजह से 2 2 करके सबट्रैक्ट करें जब तक कि आप 0 तक ना पहुंच जाए. अभी कितनी पेंसिल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेंसिल्स है. 2 सबट्रैक्ट करा तो कितना आ गया? 8 माइनस 2 6 आ रहा है. ठीक है ना, अब हमारे पास क्या बचा? 6. 6 पेंसिल बची, 6 में से फर्दर 2 माइनस करें तो 4, फिर 4 बचा, 4 में से फर्दर 2 माइनस करा तो 2, फिर क्या बचा? 2 बचा, 2 में से फर्दर 2 माइनस करा तो 0. इसका मतलब है 4 टाइम्स हम इसको 4 टाइम्स यानी सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. इसी तरह फुटबॉल्स हैं, 4 माइनस 2 2, फिर 2 आया, 2 माइनस 2 फर्दर इज इक्वल टू 0. ठीक है, 6 माइनस 2 4, फिर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, फिर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अभी थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड बना दिया, आपको डिवीजन अब आपको सही से थोड़ी समझ में आएगी. डिवीजन क्या है? फर्स्ट टाइम आ रही है. ठीक है ना, लास्ट ग्रेड वन में ये नहीं थे, ग्रेड वन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन थे. अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंट्रोड्यूस हो रही है ग्रेड टू. मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, डिवीजन अब शुरू हो रही है. अहमद के पास कितने एप्पल्स हैं? 6 एप्पल्स. ही वांट्स टू पुट द 6 एप्पल्स इक्वली इनटू 2 बैग्स. वो जो 6 एप्पल्स हैं उसके पास, उनको बराबरी से जो है ना 2 बैग्स में डालना चाहता है. ठीक है, यानी इक्वली डिवाइड करना चाहता है, इक्वली डिवीजन करना चाहता है. मिसाल के तौर पे 6 सेम है तो 3 एक बैग में आ जाएंगे, 3 एक बैग में आ जाएंगे, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि इक्वली डिवाइड हुए कि नहीं हुई? तो दोनों जगह इक्वल है बैग्स, तो उसके लिए हम डिवीजन को यूज करते हैं. ठीक है ना, देखिए 6 उसके पास एप्पल्स और उसको 2 बैग्स में करना है, तो 6 को आप डिवाइड कर देंगे. डिवाइड इस तरह भी होता है, ठीक है ना, 6 अंदर आएगा और 2 बाहर है. ठीक है ना, 6 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, या 6 डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन, कितने एप्पल्स है? 3 एप्पल्स होंगे, तो ये इक्वली डिवाइड है. 6 डिवाइडेड बाय
थ्री कर दिया, इसका मतलब ये है कि मतलब टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 बैग्स थे, ठीक है ना। इसको टू में डिवाइड कर दिया, यानी इसके टू सेट बनाते हैं आप, एक सेट तो ये, एक सेट ये बनाएंगे और एक सेट, यानी थ्री के दो सेट बनेंगे, तो इसका मतलब है इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो थ्री आंसर आ जाएगा। डिवाइड इज रीड एज डिवाइडेड बाय, डिवाइड को हम इस साइन को हम एज डिवाइड बाय पढ़ते हैं, ये डिवीजन की साइन है, ठीक है। नाउ अहमद वांट्स टू पुट सिक्स एप्पल्स इक्वली इन थ्री बैग्स, अब थ्री बैग्स में सिक्स को करना है, यानी कितने, 1 2 3 4 5 6, सिक्स बैग्स है, अब थ्री बैग्स में यानी के करना है इक्वली। तो देखिए अगर हम दो सेट बनाएंगे, एक दो, फिर दो दो से दूसरे बैग में, और दो टक्कर तीसरे बैग में, तो इसका मतलब है तीन बैग हमें, तीन बैगों में हर बैग में दो दो आएंगे, ठीक है ना, हर बैग में दो दो आएंगे। सिक्स डिवाइड बाई थ्री करेंगे तो टू आ जाएगा, मतलब देयर आर टू एप्पल्स इन ईच बैग। अब अनम हैज 12 स्वीट्स, अनम के पास कितने टॉफीज है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉफीज। She shares the sweets equally among her four friends. तो उसने अब अनम के पास चार, 12 टॉफीज है, 12 स्वीट्स है, ठीक है, उसकी चार दोस्त हैं और उन चारों को उन्होंने उसने इक्वली देना है, ठीक है ना, कम ज्यादा नहीं देना, यानी अगर एक फ्रेंड को एक टॉफी दिए तो दूसरी को भी एक देना है, यानी कि दूसरी को दो, सबको एक एक देना है। अब अगर 12 स्वीट्स हैं, अनम अगर पहली फ्रेंड को एक देती है, दूसरी को एक देती, तीसरी को एक देती, चौथी को एक देती, तो फोर स्वीट्स हो गई इसका। लेकिन अनम के पास तो अगर 12 में से फोर स्वीट्स उसने डिवाइड कर दी एक एक करके, तो अनम के पास तो 8 स्वीट्स फिर भी रह गए, ठीक है ना। अनम को पूरी 12 स्वीट्स बांटनी, फिर और बढ़ा के देखते हैं, अगर फर्स्ट फ्रेंड को 2 दे दी, फिर 2 सेकंड को दे दी, फिर 2 थर्ड को दे दी, और 2 फोर्थ को दे दी, तो अब कितने हो गए, 2 2 2 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 8 8 स्वीट्स बढ़ गई सब में, दो दो बराबर, लेकिन अभी भी 4 स्वीट्स अनम के पास बच जाएंगे, क्योंकि उसके पास 12 स्वीट्स। तो अब तीन तीन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 फर्स्ट फ्रेंड को, 3 सेकंड फ्रेंड को, 3 थर्ड फ्रेंड को, 3 फोर्थ फ्रेंड को, तो अब इसका मतलब है कि अब अनम के पास कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल इक्वल है, यानी 3 स्वीट्स अगर अनम हर फ्रेंड को देगी तो इक्वली 4 फ्रेंड्स में उसके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिवाइड, ठीक है। तो ये 3 3 3 3 अब आपको अगर 3 का टेबल आता है तो उसको आप यूं भी कर सकते हैं, 12 डिवाइड बाय 12 उसके पास स्वीट्स है और 4 उसके पास फ्रेंड्स है, ठीक है ना। 12 को 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है 4 का टेबल आपको आना चाहिए, 4 का टेबल उस वक्त तक बढ़ना जब तक 12 ना आ जाए। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4, ये दूसरा मेथड बता रहा हूं, 4 3 जा 12, इसका मतलब है 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये 3 आपके पास आ गया, दिस 3 इज आता है, इसका मतलब है 3 स्वीट्स उसको देनी पड़ेंगी हर फ्रेंड, ठीक है। हारिस हैज 10 इरेजर, हारिस के पास कितनी है, 10 इरेजर से, ही पुट्स इक्वल नंबर ऑफ इरेजर्स इन टू बॉक्सेस, उसने दो बॉक्सों में इरेजरों को इक्वल नंबर में डाला, यानी कितने बॉक्सेस, 10 इरेजर्स है, 10 इरेजर्स है, डिवाइड करना है उसको टू बॉक्सेस में, उसको डिवाइड करना है इक्वली, किसको, हारिस। तो अब टू का टेबल पढ़ना है आपने जब तक कि 10 ना आ जाए, ठीक है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, इसका मतलब है 5, तो एक बॉक्स में इसका मतलब है 5 इरेजर्स डालने होंगे, 5 आंसर, ठीक है ना, इस तरह डिवीजन होती है। अब अनम के पास 9 रिंग्स, तो उसको तीन बॉक्सेस में वो रिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली, अब 9 रिंग्स है, डिवाइड करना पड़ेगा उसको किससे, 3 से, तो 3 1 जाए 3 3 2 जाए 6 3 3 जाए 9, इसका मतलब है 3 3 जाए 9, 3 का टेबल कब तक बढ़ने, जब तक 9 ना आए, तो 3 3 जाए, इसका मतलब 3 रिंग्स एक बॉक्स में डालेगी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3 बॉक्सेस। अब सना हैज 18 बिस्किट्स, सना के पास कितने बिस्किट्स हैं, 18 बिस्किट्स, शी शेयर्स द बिस्किट इक्वली अमंग हर 3 फ्रेंड्स, तो उसको 3 फ्रेंडों में वो 18 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी 18 बिस्किट्स हैं, डिवाइड करना है उसको 3 फ्रेंड्स के दरमियान, तो अब 3 का टेबल उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि 18 ना आ जाए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 इसका मतलब है एक प्लेट में, यानी कि एक फ्रेंड को जो है वो 6 बिस्किट्स उसको देने पड़ेंगे, each friend get कितने बिस्किट्स, 6 बिस्किट्स, 18 divided by 3 6 आ गए, 6 बिस्किट्स। अहमद has 12 marbles, अहमद के पास कितने marble है, 12 marbles, he put equal number of marble in two boxes, तो उसने दो boxes में equal number of marbles रखे, कितने रखे वो मालूम करना है, अब 12 marbles है दो boxes है, तो दो को आपने डिवाइड करना है, 12 को आपने डिवाइड करना है 2 से, और टेबल बनना है 2 का जब तक 12 ना है, 6 ना 12, तो साला भी एक एक बार एक बॉक्स में 6 marbles अगर वो रखेगा तो इक्वली दो बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, देयर आर 6 मार्बल्स।
अली हैज 15 ऑरेंजेस, अली के पास कितना ऑरेंज है 15, यानी तो 5 बॉक्सेस में उसको रखना है, कितने बॉक्स में रखना है, 15 डिवाइडेड बाय 5 बॉक्सेस, ठीक है ना। तो एक बॉक्स में कितने आएंगे, 5 वन 5, 5 टू 10, 5 3, इसका मतलब 3 आंसर आएंगे, 3 आएंगे एक बॉक्स, एक बॉक्स में 3 ऑरेंजेस आएंगे, 3 ऑरेंजेस इन बॉक्स। अली हैज 20 मैंगो, अली के पास 20 मैंगोज है, 4 बॉक्सेस में उसको करना है। सिमिलरली वही 20 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे तो 4 वन 4 4 5 सा 20, तो 5 मैंगोज आएंगे एक बॉक्स, 5 मैंगोज। 10 पेंसिल ज़ारा के पास 5 बॉक्सेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2, 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2, 30 स्वीट्स हैं 3 बॉक्सेस में करना है, तो 30 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास, एक बॉक्स में 10 स्वीट्स हैं। अब क्या है, हमजा है 8 बलून, हमजा के पास 8, वो एग्जांपल आ गया, हमजा के पास 8 बलून है, उसने दो फ्रेंड में इक्वली उसको शेयर कर, इक्वली का शेयर कर कितने फ्रेंड्स के दरमियान, 4 फ्रेंड्स के दरमियान, 4 फ्रेंड्स हैं, बलून्स कितने 8, फ्रेंड्स कितने 4, तो हर एक के पास कितने आएंगे 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 वन 4, 4 टू 8, इसका मतलब हर फ्रेंड के पास दो बलून अगर वो देगा तो 8 बलून इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिकॉल द टेबल ऑफ 4, अब ये वही चीजों में ऊपर बताई है, उनको दूसरे मेथड से समझा रहे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, 8 कम्स इन द टेबल ऑफ 4 आफ्टर 2 टाइम्स, सो 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, ईच फ्रेंड गेट्स 2 बलून्स, ठीक है ना। वही चीज जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, पहले से वो चीज जहां पे इन्होंने टेबल के तौर समझाई है कि 4 का टेबल उस वक्त तक पढ़ना है जब तक 8 ना आ जाए, 4 1 4 4 2 8, इसका मतलब हर फ्रेंड के पास 2 बलून्स आएंगे। अनम हैज 6 कप्स, अनम के पास 6 कप्स हैं, शी पुट इक्वल नंबर ऑफ कप्स इन 3 बॉक्सेस, उसने 3 बॉक्सों में कप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुट पुट करा उसने 3 बॉक्सों में, तो हर बॉक्स में कितने कप हो, टोटल कप्स कितने हैं 6, और टोटल कितने बॉक्सों में उसने डिस्ट्रीब्यूट करा है उसको 3 बॉक्स, 3 का टेबल पढ़ेंगे अब जब तक कि 6 ना आ जाए, 3 1 2 3 3 2 6, इसका मतलब है हर बॉक्स में 2 कप्स है, 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2, यानी 3 का टेबल सब तक पढ़ना है जब तक 6 ना आ जाए, 3 1 3 3 2 6, 6 आ गया इसका मतलब है 2 विल बी द आंसर, 2 विल बी द आंसर, देयर आर 2 कप्स इन ईच बॉक्स, डिवाइड दिस नंबर 6 डिवाइड बाय 3, 6 को आप फिर से डिवाइड करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि 2 का टेबल आपने 6 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, 6 डिवाइड बाय 2, 2 का टेबल आपने उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि 6 ना आ जाए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इसका मतलब है 2 3 6, 3 विल बी द आंसर। 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 का मतलब ये है 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल आपने पढ़ना है जब तक कि 12 ना आ जाए, तो इसको मैं ऐसे लिख के वही ऊपर वाली चीज लिख देता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12 आ गया, इसका मतलब है कब आया, 4 3 जा 12 आया, यानी 3 विल बी द आंसर, ओके। इसी तरह 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 ट्राइंगल कहते हैं जिसके 3 एंगल हो, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एंगल्स के बारे में हम आज बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, 3 एंगल, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई एंगल, ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब एंगल, और ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है, 3, 1 2 3, देयर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं उसको रेक्टेंगल कहते हैं, अब ये रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, कोई भी दो साइड अगर उसके बराबर होंगी तो वो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल हैज 2 इक्वल साइड्स, जैसे दरवाजा है इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, इक्वल है, तो उसका मतलब है ये एक रेक्टेंगल है। सर्कल, सर्कल गोल चीज को सर्कल, टायर सर्कल है, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, सर्कल की कोई भी साइड नहीं होती, ये गोल होता है, राउंड होता है, तो उसमें रेडियस का कंसेप्ट आएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती है, यानी देखें ये अगर 2 इक्वल साइड्स होंगी ये और ये तो रेक्टेंगल कहलाएगा, लेकिन अगर ऐसी चीज जिसकी चारों साइडें इक्वल हो, ये भी ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, ये चारों बराबर हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक फासला अगर 1 मीटर का है तो इधर से इधर का फासला भी 1 मीटर का होना चाहिए, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, इसको स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, चारों साइडें उसकी इक्वल होती है। अब कलर करना है,
दैट इज लाइक द वन इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। अब इसमें सर्कल कौन सा, ये सर्कल है तो सर्कल पे कलर करना है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ है, ये स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर पे कलर करना है। ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे कलर। ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल, ठीक है। शेप्स के बारे में फैमिली होना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री के। ये भी रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल कहाँ, यहाँ है, इस पे कलर करना है। ये सर्कल कह रहे हैं, बेसिकली ये ओवल है, लेकिन ये यहाँ पर हमने क्योंकि सर्कल के बारे में पढ़ा तो सर्कल ही है, ठीक है, इस पे कलर। राइट वन इन ऑल रेक्टेंगल्स, टू इन ऑल स्क्वायर्स, थ्री इन ऑल सर्कल्स एंड फोर इन ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब जितने भी रेक्टेंगल है उसमें वन लिखे हैं, इसमें रेक्टेंगल कौन सा, ये रेक्टेंगल है, इसकी दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है तो इसमें आपने लिखना है वन वन, और कहाँ है रेक्टेंगल, ये भी वन, ये भी रेक्टेंगल है 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 वन, ठीक है। अच्छा जितने स्क्वायर है उसमें टू लिखना है, ये स्क्वायर है इसमें टू, इसमें टू लिखेंगे आप टू, और कहाँ स्क्वायर, ये ना स्क्वायर टू आएगा, और स्क्वायर कहाँ है जिसके चारों साइड एक और, ये है टू, ये स्क्वायर है और ये ना स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर्कल, सर्कल यानी गोल जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो, तो थ्री, थ्री लिखना है सर्कल में, ये सर्कल है इसमें थ्री लिखा जाएगा, ये भी थ्री लिखा जाएगा, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ओके। और ट्राइंगल पे फोर लिखना है, ये ट्राइंगल है, इसकी तीन साइड है, वन टू थ्री, थ्री एंगल से, तो ट्राइंगल पे फोर लिखना है, फोर, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल, ठीक है ना। वी कैन मेक पिक्चर यूजिंग शेप। अब शेप्स को आप अगर मिला देंगे, ये ग्रेड वन में भी हमने पढ़ा था, तो हम मुख्तलिफ चीजें उससे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ट्राइंगल आपने लिया, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल से हम घर की छत बना सकते हैं, देखिए ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल से हम उसकी दीवारें बना सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या है, ट्राइंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल क्योंकि इसकी दो साइड्स बना, बाकी ये चार स्क्वायर है, स्क्वायर से हमने खिड़कियां बनाई हुई घर, ठीक है ना, ये चारों स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से खिड़कियां बन गई, रेक्टेंगल से दरवाजा बन गया, रेक्टेंगल से दीवार बन गई, और ट्राइंगल से छत बन गई, ये पूरा का पूरा आपका एक घर तैयार हो गया, ठीक है। द हाउस इज मेड अप ऑफ, मे हाउस, घर किस तरह बना, एक ट्राइंगल से बना, एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ी, फोर स्क्वायर की, एक दो तीन, वन टू थ्री फोर स्क्वायर्स, और टू रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये रहा और एक ये, तो इससे घर बन गया। नाउ ट्राई टू मेक डिफरेंट पिक्चर यूजिंग दिस शेप, अब मुख्तलिफ चीजें आप इससे बनाए। मिसाल के तौर पर आप सर्कल बना लें, सर्कल से मून, मून बन जाएगा, ठीक है। और क्या है, और आप कोई बेड बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो बेड भी जो है रेक्टेंगल से बन जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ क्रॉस में बनाने की, ठीक है ना, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इससे जो है वह एक स्क्वायर मिला है, फिर एक रेक्टेंगल मिला दिया, ठीक है। तो ये एक बॉक्स बन गया एक तरीके से, ठीक है, बॉक्स बन गया। कोई घड़ी आपने बनानी है तो घड़ी जो है ये रेक्टेंगल घड़ी बन गई, ठीक है। और इस तरह डिफरेंट सोच करके आप बना सकते हैं चीज, ठीक है ना। अब कार है, कार बना सकते हैं आप रेक्टेंगल से, देखेंगे एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, फिर ये एक दूसरा रेक्टेंगल लिया, ठीक है, दो रेक्टेंगल, फिर दो सर्कल बना दिया आपने, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, तो ये कार बन गई, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ आइटम्स बच्चों से बनवा सकते हैं। वर्टेक्स ऑफ अ शेप, किसी भी शेप का वर्टेक्स क्या होता है, इसको समझे, ज्योमेट्री हम यहाँ से समझे, स्टार्ट हो गई। द पॉइंट वेयर टू साइड्स जॉइन इज कॉल्ड वर्टेक्स, दो साइडें जहाँ आके मिल रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, अब ये दोनों जो है यहाँ मिल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक। अब ये दो लाइनें यहाँ मिल रही है, वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, देखिए यहाँ मिल रही है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये। ट्राइंगल हैज थ्री वर्टिकल्स, ट्राइंगल के तीन वर्टिकल्स होते हैं क्योंकि तीन पॉइंट मिल रहे थे, एक लाइन ये यहाँ से यहाँ आ रही है, एक ये पॉइंट, दूसरा ये रहा, तीसरा पॉइंट ये, तो इसका नाम है थ्री वर्टिकल्स। ट्राइंगल की थ्री वर्टिकल्स, इसके भी थ्री वर्टिकल्स,
रेक्टेंगल के फोर वर्टिकल्स होते हैं क्योंकि एक दो तीन चार, चार लाइनें, एक लाइन ये और एक दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन ये और चौथी लाइन ये, एक दो चार पॉइंट्स पे बनेगा फोर वर्टिकल्स। सर्कल का कोई वर्टेक्स नहीं होता क्योंकि ये घूमता ही रहेगा, कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है इसकी, ठीक है, कोई वर्टेक्स नहीं होता। स्क्वायर के भी चार वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कंप्लीट द टेबल, अब इसका नाम क्या है, साइड्स कितनी है, वर्टिकल्स कितने, ठीक है ना। अब इसका नाम तो है भाई, सॉरी, नाम है इसका ट्राइंगल, क्योंकि इसकी थ्री साइड्स है, ठीक है ना। ट्राइंगल साइड्स कितनी है इसकी, थ्री, या उसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं टी एच आर डबल, टी एच आर थ्री। और वर्टिकल कितने हैं इसमें, कितनी लाइन क्रॉस हो रही है, थ्री, ठीक है। ये क्या है, सर्कल। साइड्स कितनी है, जीरो, और वर्टिकल कितने हैं, जीरो, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल। इसकी साइड्स फोर है, वर्टिकल फोर है। क्या स्क्वायर, साइड्स कितनी है, फोर है, वर्टिकल कितने हैं, फोर है, ठीक। रिडल्स, आई हैव थ्री साइड्स, आई हैव थ्री वर्टिसेस, ठीक है। हु एम आई, मैं क्या हूं, मेरी तीन साइड्स हैं, ठीक है, और मेरे तीन वर्टिसेस हैं, तो मैं क्या हूं। अब तीन साइडें किसकी होती है, ट्राइंगल की होती है, देखें, एक दो तीन, एक दो तीन साइड, और वर्टिसेस भी तीन इसके होते हैं, एक दो होते हैं, तो उसका मतलब है क्या हूं मैं, ट्राइंगल। तो आप यहां लिखेंगे, हु आई, हु एम आई, आई एम ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल, ठीक है। आई हैव फोर साइड्स, आई हैव फोर वर्टिसेस, माय साइड्स आर इक्वल, हु आई एम। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई हैव फोर साइड्स, आई हैव फोर वर्टिसेस, आई माय साइड्स आर इक्वल, मेरी चारों साइड यानी इक्वल है, यानी फोर साइड्स, 1 2 3 4, और चारों साइड मेरी इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या हूं, तो मैं स्क्वायर हूं। आप देखें, फोर साइड्स और फोर वर्टिसेस रेक्टेंगल के भी होते हैं, देखें ये रेक्टेंगल है, ऐसे भी बना सकते हैं रेक्टेंगल को और ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल की एक दो साइड इक्वल होती है, या ये इक्वल होगी, या ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल होगी, या ये और ये, लेकिन स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, यहाँ लिखा हुआ है माई साइड आर इक्वल, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर। अब आप यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, आई एम स्क्वायर, आई हैव नो साइड, आई हैव नो वर्टेक्स, किसी चीज के कोई साइड नहीं होती है, कोई वर्टेक्स नहीं होता, तो वो क्या है, वो सर्कल, कोई उसको आप सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल की जो है वो बेसिकली कोई साइड नहीं होती, तो ये सर्कल की मतलब हैज नो वर्टेक्स एंड नो साइड, तो क्या हुआ, आई एम सर्कल। अब नेक्स्ट चैप्टर मनी, ये ऑलमोस्ट जो है मनी, चैप्टर सिक्स पर ही हमने डिवीजन शेप्स को देख लिया, अब मनी है, उसके बाद दो चैप्टर से मनी। मनी, वी यूज मनी एवरीडे इन अवर लाइफ्स, वी बाय थिंग्स यूजिंग कॉइन्स एंड नोट्स, ठीक है ना। मनी यानी पैसे की बात हो रही है, ठीक है ना। हम पैसे से बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में जो है हम पैसे को इस्तेमाल करते हैं, और उससे कॉइन्स से, यानी कॉइन्स कहते हैं सिक्कों को, और नोट्स कहते हैं नोटों को, कागज के नोटों को, से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। देयर आर सम ऑफ द कॉइन्स जो हम नॉर्मली कॉइन्स यूज करते हैं, वो कौन से है, ये 5 का कॉइन है, देखिए ये 2 का कॉइन है, ये 1 का कॉइन, ठीक है, जिसको हम 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये कहते हैं। ये 10 रुपए का नोट है, यानी 10 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट, ठीक है। सना हैज रुपीज 10 नोट एंड रुपीज 5 कॉइन, सना के पास 10 रुपीज का एक नोट है और 5 का एक कॉइन। हाउ मच मनी डज शी हैव, टोटल मनी उसके पास कितनी हो गई, तो देखिए हम ये एडिशन की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है ना। तो उसके पास टोटल 15 होगा, क्योंकि आपने 10 उसके पास का नोट है और 5 का कॉइन है, तो 10 प्लस 5 आपने करना है, ये 0 प्लस 5 = 5 और 1 = 15, टोटल 15 होगा। काउंट द मनी इन ईच बॉक्स एंड राइट द टोटल अमाउंट, 20 का नोट है, 10 का नोट है, तो 20 प्लस 10 करेंगे आप, इज इक्वल टू 30, कितना आएगा 30, इसको मैं इससे लिखता हूँ, 200 के नोट्स है, तो हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, ठीक है ना। एडिशन है ये जो हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है, 10 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 का नोट है और 2 5 के कॉइन्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 20, ठीक है ना। फिर ये 50 और 10 = 60 हो जाएगा आपके पास, 100 और 20 = 120, और ये क्या है, 20 प्लस 1 = 21, 50 प्लस 20 = 70, ओके। अली एंड जारा आर एट शॉप विद देयर फादर, अली और जारा, ये अली है और जारा है, ये शॉप पे गए हैं, दुकान पर गए हैं अपने
फादर के साथ, अपने वालिद साहब के साथ, अपने पापा के साथ, दे ईच बाय सम थिंग्स, दोनों ने कुछ चीजें खरीदी। ये आर द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स दे बाय, ये उन चीजों के की प्राइसेस हैं जो अली और दारा ने खरीदी। फुटबॉल खरीदी उन्होंने जो कि 50 रुपीज की है, बैग खरीदा जो कि 100 रुपीज का, कैप खरीदी जो कि 30 रुपीज की, बुक खरीदी जो कि 70 रुपीज की। कैन यू हेल्प ईच ऑफ देम कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, तो आप बता सकते हैं कि टोटल कितने पैसों की चीज इन दोनों ने खरीदी, अली और जारा ने। तो जारा बाइज अ बैग एंड अ कैप, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? आप बोल रहा है जारा ने जो है ना बैग और कैप खरीदी, जारा ने अपने लिए, जारा है, जारा ने अपने लिए बैग और कैप खरीदी, तो कितने के सामान लिया जारा? अब देखिए बैग कितने का है, तो कॉस्ट ऑफ द बैग इज ₹100, तो आप लिख लो तो आसानी रहेगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द बैग इज इक्वल टू ₹100 और कॉस्ट ऑफ द कैप इज इक्वल टू ₹30, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगा इज इक्वल टू 100 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 130, या हम लिख सकते हैं ₹130 के सामान टोटल ज़ारा ने लिया, लेकिन अली ने फुटबॉल और कैप लिया, फुटबॉल 50 की है और कैप 30 की है। ठीक है ना, तो वही चीज लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू 50 और कॉस्ट ऑफ कैप इज इक्वल टू ₹30, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 80, या ₹80, 80 रुपीज का सामान जो है वो अली ने लिया। देयर फादर बाय अ बुक एंड अ बैग, व्हाट इज, फादर ने क्या लिया? फादर ने बुक ली है और बैग लिया, तो ये चीज आप लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ द बुक इज इक्वल टू 70 एंड कॉस्ट ऑफ द बैग इज इक्वल टू 100, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 70 प्लस 100 विच इज इक्वल टू रुपीज रुपीज 170। ठीक, अली और दारा स्टॉप टू बाय सम एप्पल्स, अली और दारा रुक गए, वाले साहब के वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ये सेब वाला दिखा या एप्पल वाला दिखा, तो एप्पल वाले के पास रुक गए कुछ एप्पल्स खरीदने के लिए। एप्पल की कॉस्ट कितनी है? 70 रुपीज, कितने रुपीज है? 70 रुपीज। देयर फादर गिव 100 रुपीज, लेकिन उनके वालिद साहब ने, अब ये इम्प्लीमेंटेशन है, मार्केट में जब आप खरीदने जाएंगे, अगर आपको हिसाब किताब पता होगा तो फिर आप चीज खरीद भी सकेंगे, बेच भी सकेंगे, कोई आपको धोखा नहीं देगा, तो ये है इल्म दुनिया का। ठीक है ना, इसलिए ये भी जरूरी है, वरना अगर आपको ये इल्म नहीं होगा तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है। ये बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दीन और दुनिया दोनों के इल्म जरूरी है अगर हमें दुनिया में तरक्की करनी है। द कॉस्ट ऑफ द एप्पल इज ₹70। अब अगर उस ठेले वाले के पास दीन का इल्म होगा और वो दीनदार होगा, तब तो वो आपको हिसाब आता हो या ना आता हो, वो आपको जितने पैसे हुए उतनी की चीज देगा और बाकी पैसे वापस दे देगा। लेकिन अगर वो दीनदार नहीं हुआ तो आपको धोखा हो सकता है, तो इसीलिए दुनिया का इल्म भी हासिल करना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ द एप्पल इज ₹70, एप्पल की कॉस्ट 70 है। फादर ने उनके 100 रुपीज दिए फ्रूट सेलर को, यानी फल बेचने वाले को 100 रुपए का नोट दिया, तो हाउ मच मनी ही गेट बैक, तो उसको वापसी कितनी मनी मिलेगी? ठीक है ना, 100 रुपीज का नोट दिया, 70 रुपीज के एप्पल ले लिए, तो अब कितने रुपीज बचे? अब 0 में से 0 तो माइनस हो नहीं सकते, ठीक है, तो 0 ऐसे ही 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब 0 में से 7 भी माइनस नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है हमको यहाँ से कैरी ही नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से 1 कैरी ले लिया, तो अभी 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3, 3 आ गया। अब यहाँ क्या बचा? 0, तो 0 यहाँ ऐसे ही रहेगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 30। इसका मतलब है वी वांट टू नो द अमाउंट ऑफ द मनी लेफ्ट, सो वी विल सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करेंगे तो 30। इसका मतलब है अली सारा के जो फादर है उनको 30 रुपए फ्रूट वाला वापस देगा। ठीक है ना, 30 रुपीज फ्रूट वाले ने वापस दिए। व्हेन द मनी दैट वी गिव इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द बजट, वी गेट बैक चेंज। जब हम किसी को कोई मनी देते हैं, कोई पैसा देते हैं जो कि उस चीज से ज्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पे चीज ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी चीज, सब्जी फ्रूट केला सेब अनार कोई भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं, अगर हम उससे पूछते हैं भाई ये कितने का है, तो वो बोलता है ये अनार या सेब 100 रुपए का है,
या 90 रुपए का है, 90 रुपीज का है, तो अगर हम उसको 90 रुपीज से ज्यादा पैसे देंगे तो फिर हम उससे गेट बैक चेंज लेंगे, हम उससे बकाया पैसे वापस लेंगे, ठीक है, याद रखें। वी कैन से दैट अली फादर गॉट रुपीज 30 चेंज, तो उसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो अली के जो फादर है, अली के और ज़ारा के जो फादर है, उन्होंने 30 रुपीज चेंज लिया, ठीक है ना। चेंज का वर्ड जो है ये माइनस को डिटरमाइन करेगा आगे। लुक एट दीज थिंग्स, पेंसिल 5 रुपीज की है, शार्पनर 15 रुपीज का है, इरेजर 4 रुपीज की है, रूलर 20 रुपीज का है, नोटबुक 35 रुपीज की। अली बाय द पेंसिल, अली ने पेंसिल खरीदी है। ही गिव्स द शॉपकीपर रुपीज 20, उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, 20 रुपीज दिए। हाउ मच चेंज डज ही गेट बैक, तो वापसी उसको कितने पैसे मिलेंगे। अब 20 रुपीज दिए किसने, अली, और पेंसिल कितने की, 5 रुपीज की, तो उसका मतलब 5 रुपीज की पेंसिल आएगी, बाकी पैसे वापस मिलेंगे। तो 20 माइनस को ऐसे लिखते हैं आप, यानी 20 रुपीज उसने दिए हैं, ठीक है, इसमें से 5 रुपीज की पेंसिल है, ठीक है। तो अब कितने बचे, 20 में से 5 आप माइनस करेंगे, तो 0 में से 5 नहीं जा सकते, तो एक कैरी लेना पड़ेगा, सो कट करेंगे, यहाँ बचेगा 1 और एक 2 का 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचे, यहाँ क्या बचा, कैरी हो चुका था, इसलिए 1 बचा, तो 1, 15, इसका मतलब है 15 अली विल गेट, ये लिखेंगे आप 15, गेट बैक रुपीज 15 चेंज, अली विल गेट बैक रुपीज 15 चेंज, अली गेट बैक रुपीज 15 चेंज, ठीक। सना ने रूलर खरीदा है, उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज का नोट दिया है, तो कितना वापस लेंगे, 50 रुपीज उसने दिए, और रूलर कितने का है भाई, 20 रुपीज का, तो 50 में से आप 20 माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, 0 से 0 नहीं जा सकता, तो 0 ही रहेगा, 5 में 0 हो जाएंगे तो 3 बन जाएगा, 3 0 30, तो ये हो जाएगा 30। तो सना गेट बैक रुपीज 30 चेंज, ठीक है, इसको ऐसे लिखें। इसी तरीके से जुबैर ने 100 दिए और उसने क्या खरीदा है, नोटबुक, नोटबुक है 35 की, तो 100 में से आप 35 माइनस करेंगे, ठीक है, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, तो 65 गेट बैक हो जाएगा। जैन ने शार्पनर खरीदा है, शार्पनर है 15 रुपीज का, और 20 का नोट नोट 5 15, तो 5 गेट बैक हो जाएगा, ठीक। अब लेंथ वायरिंग का चैप्टर शुरू हो गया है, ये लास्ट टाइम भी हमने एडवांस में पढ़ा था, थोड़ा सा एडवांस। इन सर्कल द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, अब कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्गर है, लॉन्गर का मतलब है लेंथ, लेंथ से लिखना है लॉन्गर, ठीक है। अब ये देखिए, ये घड़ी है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ये क्या है, लंबाई है, लेंथ, ठीक है। अब ये घड़ी बड़ी है यहाँ पर, या ये स्पून बड़ा है, स्पून बड़ा है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, इधर घड़ी बड़ी है, स्पून बड़ा है, इधर स्पून छोटा है, इधर घड़ी बड़ी है, तो इसकी लेंथ ज्यादा है। ये कील है, नीडल जिसे कहते हैं, नीडल तो सुई को कहते हैं, बहरहाल ये कील है, ठीक है, ये कील छोटी है, ठीक है, इस पर सर्कल नहीं करना, बड़ी कील पे सर्कल करना, सॉरी इधर भी हमने मिस्टेक कर दी, हम बड़े स्पून में करना, ये छोटा स्पून है, बड़ा स्पून है, बड़े स्पून पे इस स्पून की लेंथ आता है, तो उसको सर्कल करना। ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, लेकिन बड़ी लेंथ किसकी है, इस पेंसिल की, उसको सर्कल करना है। ये भी सीजर है, ये भी सीजर है, कौन सी बड़ी सीजर है, ये वाली, तो उसको सर्कल करना है। ये भी कॉम्ब है, ये भी कॉम्ब है, यानी कंघा है, लेकिन बड़ा कंघा ये है, तो इसको सर्कल करना है। वी कैन यूज डिफरेंट थिंग्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड की आपको लेंथ फाइंड करनी है। ये इसकी लेंथ है, देखें ये इसकी लेंथ कहलाएगी, ठीक है ना, ये विड्थ कहलाएगी इसकी। तो लेंथ हम मुख्तलिफ तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक तरीका है, जैसे कि हाथ, ठीक है ना, आप इधर 1 2 3 4 5 हाथ, फिर 6 7 8 9 10, इस तरह हाथ रख के उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, या किताब रख के लेंथ फाइंड कर सकते हैं। वी कैन यूज हैंड स्पैन, हाथ को लगा के बुक को रख के हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मेजर विद योर हैंड्स स्पैन एंड राइट द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, अब डेस्क है, अब डेस्क कितने हाथ उसकी लेंथ कितनी है, कितने हाथ आप रखेंगे तो डेस्क पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अब ये डेस्क है, ठीक है, मैं इसको ऐसे एक डेस्क बनाता हूँ, ठीक है ना, ये डेस्क है, इसका एक ये पाया है, एक ये है, एक ये है और एक ये पाया है, ठीक है। अब इधर एक हाथ आप रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक हाथ आ जाएगा आपका, फिर दूसरा हाथ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तीसरा हाथ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, चौथा हाथ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर पांचवा हाथ ये आ जाएगा, फिर छठा ये आ जाएगा, फिर सात हाथ जैसे आप रखेंगे तो इसकी लेंथ पूरी जाएगी। इसका मतलब है 7 हैंड्स आपने रखे, यानी एक रखा, फिर ये दूसरा रखा, ठीक
ठीक है ना। फिर ये तीसरा रखा ठीक है ना, फिर ये चौथा रखा, फिर उसके आगे ये पांचवा रखा इस तरह, फिर छठा रखा, फिर सातवा रखा, इस तरह कर करके आपके लेंथ आ जाएगी। तो जितने भी आपके उसके टेबल की लेंथ हो तो वो आपने यहाँ इस तरह आपने लेंथ वही कर सकते हैं, तो वो आपने यहाँ। लेकिन इसमें सेवन हैंड्स पेन हमने 7 दफा हाथ रखा तो हमारी लेंथ बैक की कितनी है, सपोज 2 बार रखा हो तो ब्लैक बोर्ड, अब तो ब्लैक बोर्ड का जमाना खत्म, व्हाइट बोर्ड आ गया, ब्लैक बोर्ड पर 7 या 8 ठीक है ना, चेयर की जैसे 3 हो गई ठीक है। अब सेंटीमीटर के बारे में यहाँ बात हुई, और स्टैंडर्ड मेजरमेंट वी यूज यूनिट्स। अब लेंथ को मेजर करना है आपने कि ये कितनी बड़ी चीज है, तो जो इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी जगहों पर जो यूज होते हैं वो मीटर्स यूज होते हैं, सेंटीमीटर्स यूज होते हैं, मिलीमीटर्स यूज होते हैं ठीक है ना। किसी चीज की पहचान के लिए उसकी एक यूनिट होती है, यूनिट जिससे उसको पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पे आम से मिसाल ले लें कि भाई आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं, सेब खरीदने जाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं भाई ये सेब मुझे चाहिए, तो वो ये आपसे पूछता है कि भाई कितने किलो चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो जो किलो है ये क्या है, ये उस वजन का यूनिट है, वेट की यूनिट है, यानी उसकी यूनिट से उस चीज के बारे में आप पहचानेंगे कि ये किस किस चीज में ये तोला जाता है, ये किस चीज में इस चीज को नापा जाता है। मिसाल के तौर पर फ्रिज है ठीक है ना, फ्रिज की लंबाई को नापना है तो उसको हम किस किस तरह नापेंगे, भाई कितना लंबा है, कितने मीटर लंबा है, मीटर से हम उसको नापेंगे, या कितने सेंटीमीटर लंबा है, या कितना मिलीमीटर लंबा है ठीक है। तो ये यूनिट होती है। अब सेंटीमीटर क्या है, बेसिकली सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सब लेंथ के यूनिट ही है ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए सेंटीमीटर को बताएंगे कि सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज को मेजर करना है, नापना है, तो सेंटीमीटर उसकी यूनिट है, सेंटीमीटर से उसको हम पहचानेंगे। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज सी एम, सी से सेंटी, एम से मीटर, सेंटीमीटर। वी कैन यूज अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम रूलर यानी स्केल, फुट्टा जिसे कहते थे बचपन में, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या लंबाई मालूम कर सकते हैं। द लेंथ फ्रॉम जीरो, द लेंथ फ्रॉम द जीरो मार्क टू द वन ऑन द रूलर बिलो इज 1 सेंटीमीटर ठीक है ना। अब रूलर यानी स्केल को पढ़ना सिखा रहे हैं आपको। अब ये स्केल देखें ऐसे होता है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह में भी होगा ये स्केल। अब इसमें देखें ये 0 से लेकर 1 तक जो है ना, ये क्या कहलाता है, सेंटीमीटर कहलाता है, यानी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह सेंटीमीटर ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर फर्दर छोटे छोटे बने हुए, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसके अंदर ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं ठीक है ना। फिर 0 से 1 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 से 2 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 4 5 25 सेंटीमीटर, इसी तरह चलते चलते आप जब 100 सेंटीमीटर में पहुंचेंगे तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। इसी तरीके से 1000 फिर मीटर आगे जाएंगे तो 1000 मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बनाते हैं ठीक है ना। तो ये सब एक ही चीज है, मीटर सबके साथ लगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अब क्या है ये बताया, ऊपर जो लिखा है कि 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर होता है। अभी शॉर्पनर को अपने मेजर करेंगे आप जब स्केल से, तो देखें शॉर्पनर यहाँ से यहाँ देखें इसका मतलब है 4, तो इसका मतलब है शॉर्पनर नहीं सॉरी इरेजर है, तो इरेजर इसका मतलब क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है ठीक है ना। 4 पेंसिल कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये सीजर कितनी है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ठीक है। इस तरह आप चीजों को मुख्तलिफ नाप सकते हैं। रेट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये पेंसिल है, आपने जब स्केल रखा तो ये 5 तक के आ रही है ठीक है ना, तो आप लिखेंगे ये जो पेंसिल है द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज कितने सेंटीमीटर की है, 5 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ नेल या नीडल इज कितनी है, 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉम्ब इज 6 सेंटीमीटर। लेंथ अब मीटर से बात आ रही, चैप्टर है मीटर, वही जो मैंने आपको बताया जब 100 सेंटीमीटर मिल जाते हैं तो 1 मीटर बन जाता है। अली वांट्स टू नो द लेंथ ऑफ द वॉल। अब ये दीवार है, इस दीवार की लंबाई अली नापना चाहता है, ही यूज मीटर रूलर। तो अब ये सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है ना, एक स्केल में देखें इतना सा स्केल होता है, उससे आप नापना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो अब मीटर पे बात चली जाएगी, तो वो मीटर रूलर को लेकर आएगा। वी कैन यूज मीटर्स टू मेजर द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। हम मीटर्स इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई लंबी चीजों को की लेंथ मालूम करनी हो, तो हम मीटर इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर नहीं। और बहुत ही छोटी चीज इस्तेमाल करनी हो तो फिर सेंटीमीटर से छोटा क्या है, मिलीमीटर। और फिर बाकी आगे जाके फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तो मिलीमीटर से छोटा जो है वो फिर माइक्रोमीटर भी होता है, नैनोमीटर होता है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मीटर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीटर भी मेजरमेंट की ही यूनिट है। वी कैन राइट इट एज एम, इसको हम एम से दर्ज करते हैं।
सेंटीमीटर को cm, मीटर को m, ठीक है ना, किलोमीटर को km. टेल वेदर वी यूज मीटर टू और सेंटीमीटर टू मेजर द गिवन. अब ये ट्रक है, इतना लंबा ट्रक है, अब हम इसके लिए सेंटीमीटर से इसको मेजर करेंगे या मीटर से? ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी चीज है तो उसको मीटर में मेजर करें, ठीक है ना, मीटर. पेंसिल बॉक्स एक छोटी चीज है, उसको मीटर में हो ही नहीं सकता ये, ठीक है ना, उसको सेंटीमीटर. कार एक बड़ी चीज है तो उसको मीटर में मेजर करें. लुक एट द मीटर रूलर, इट इज 1 मीटर लॉन्ग. ये मीटर का रूलर है इनके पास, ये कितना बड़ा है, 1 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि देखिए इसमें 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो रहा है, या 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अब 100 सेंटीमीटर जैसी हो गए तो वो 1 मीटर के बराबर, ठीक है ना. इसकी हाइट, इस बच्चे की हाइट कितनी है, 1 मीटर है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है. द चेयर इज शॉर्टर देन मीटर रूलर, मीटर का जो रूलर है चेयर उससे छोटी. चेयर देखिए, चेयर कहाँ तक आ रही है, तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक आ रही है, तो मीटर से छोटी. इट इज लेसर देन 1 मीटर टॉल. ज़ारा इज अबाउट एज टॉल एज द मीटर रूलर, शी इज 1 मीटर टॉल. तो टॉल कितनी है, लंबाई, ऊंची. ज़ारा कितनी ऊंची है, 1 मीटर है तकरीबन. देखें 0 से शुरू हो रही है ज़ारा, और तकरीबन 1 मीटर तक इसके पहुंच रही है, ठीक है, थोड़ी कम है लेकिन कह सकते हैं. टीचर इज टॉलर देन अ मीटर रूलर, लेकिन टीचर जो है वो मीटर से भी बड़ी है, शायद 1 मीटर से ज्यादा है. अब 1 मीटर यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ 110 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, तकरीबन 50, 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना. 1.6 मीटर हम कह सकते हैं मिस है. मिस का कितनी टॉल है, 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 मीटर या 160 सेंटीमीटर. लुक एट द मीटर रोलर, अब आप मीटर रोलर को देखें, इट इज 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लंबा है. विच ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1 मीटर, कौन सा ऑब्जेक्ट 1 मीटर से ज्यादा है, और विच ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1 मीटर, ठीक है ना, ये मालूम करना है. अब अहमद ब्रॉट 44 मीटर लॉन्ग पाइप, हिज ब्रदर ब्रॉट 9 मीटर लॉन्ग पाइप, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ पाइप्स, दोनों पाइप की लेंथ कितनी होगी. अब देखिए अहमद 44 मीटर का क्या लिख रहा है, अहमद लाया है 44 मीटर का पाइप, जबकि उसका जो भाई है वो लाया है 9 मीटर का पाइप. तो दोनों पाइप को अगर आप मिला दोगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वही एडिशन यहाँ यूज होगी, ठीक है ना. 44, देखिए ये एक पाइप है, ये 44 मीटर है, सपोज एक पाइप है, ये 9 मीटर है, उसने दोनों पाइप को मिला दिया, तो अब इन दोनों की लेंथ कितनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 44 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे आप, 44 और 9 को प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, ठीक. तो 4 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास, एडिशन करनी है आपको, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएंगे, 13 यानी 3 यहाँ आ जाएगा, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 3 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1, 5, टोटल 53 यानी कि आपके पास मीटर जो है वो पाइप है. पाइप्स कितने हैं, द टोटल लेंथ ऑफ बोथ पाइप्स इज 53 मीटर्स. अगर आप लिख लें द टोटल लेंथ ऑफ बोथ पाइप्स आर 53 मीटर्स, ठीक. सीमा के पास 54 मीटर लॉन्ग वायर है, शी गिव्स अवे 20 मीटर्स टू हर ब्रदर, हाउ मेनी मीटर्स डज सीमा हैव नाउ. अब देखें ये वर्ड प्रॉब्लम, अब वो उसके पास कितना वायर था, ऐसे समझे 54 मीटर का एक वायर है, समझे ये एक वायर है, कितने मीटर इसकी लेंथ है, 54 मीटर. अब इसमें से उसने 20 मीटर अपने भाई को दे दिया, यानी एक और वायर बनाया, आप ये वायर समझे 20 मीटर का है, ये 20 मीटर वायर उसने अपने भाई को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, यानी 54 में से ये 20 मीटर ये, यानी ये सारा हिस्सा समझो उसने अपने भाई को दे दिया, तो उसके पास तो सिर्फ ये वायर बचा ना, तो इसका मतलब है 54 में से आप 20 को माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उतना जो है, यानी 54 में से आप 20 को माइनस कर देंगे, 4 में से 0 गए तो 4 ही बचेंगे, 5 में से 2 गए तो 3, 34 इसका आंसर आ जाएगा, यानी सीमा हैव नाउ 34 मीटर. Oh.
वी कैन यूज अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ अ सर्टेन लेंथ, प्लेस द रूलर स्ट्रेट ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि हम रूलर से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जितने सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये रूलर है, मतलब 7 सेंटीमीटर का रूलर है टोटल। ठीक है ना, इसको आप कहाँ रखें, किसी भी सीधी जगह पर रख लें, फिर आप ड्राइंग ड्रॉ करें। आप मिसाल तौर पर 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करनी है, तो आप 0 से स्टार्ट करें। ठीक है ना, और फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन ये हो गई, 2 की ये हो गई, 3 4, याद रखिए ये एक लाइन 5 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है ना, ये ज्योमेट्री में सब काम आएगा। रीड द लेंथ यूज रूलर टू ड्रॉ लाइन। अभी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आप रूलर रखें और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, इस तरह ये है। यानी यहाँ से 0 से आप शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर की लाइन, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन। 7 सेंटीमीटर की लाइन कैसे होगी, हाँ वो यहाँ से 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी। फिर 3 सेंटीमीटर की लाइन 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3, बस 3 तक। 4 सेंटीमीटर की लाइन 0 1 2 3 4। ठीक है, बाकी 9 सेंटीमीटर का रूलर नहीं है, 9 सेंटीमीटर की लाइन 0 1 2 3 4 5 7, फिर 8 9, यहाँ तक होगी तकरीबन। मेजरिंग मास, अब वेट, वही वाली बात, सेब खरीदने वाली बात। मास कहते हैं वजन, मास को किस चीज से नापते हैं, हम वजन से नापते हैं, वेट से नापते हैं। इन सर्कल साइड विच इज हैवियर, उस साइड को पे आप सर्कल करें जो साइड ज्यादा भारी है। अब देखें ये झुकी हुई साइड, इसका मतलब है जब 3 से बड़े रहेगा तो ये साइड झुकी हुई है, तो ये साइड भारी है, तो उसको सर्कल करेंगे। यहाँ ये झुकी हुई है तो ये साइड भारी है, इसको सर्कल कर देंगे। यहाँ इसको सर्कल कर देंगे और यहाँ इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ इसको सर्कल करेंगे और यहाँ इसको सर्कल। अब मास को कैसे मेजर करते हैं, वी कैन यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू मेजर द मास। तो हम मास को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ग्राम। ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मास को हमेशा ग्राम में मेजर किया जाएगा। वी कैन राइट इट एज जी। ग्राम को कैसे लिखते हैं, जी। ठीक है ना, जिस तरह मीटर को हम लिखते थे एम, सेंटीमीटर को लिखते थे सी एम, इसी तरीके से मास को हम लिखेंगे, मास को मेजर करते हैं ग्राम में। ठीक है, और ज्यादा बड़ी चीज होगी तो उसको किलोग्राम, ठीक है ना, कम होगी तो उसको मिलीग्राम में। ये सब आगे पढ़ेंगे हमेशा। जैसे टेबलेट्स होती है वो मिलीग्राम में होती है। लुक एट दिस जी, व्हाट इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम। यानी कि देखिए एक पेंसिल रखी है एक तरफ और उसमें ये 4 ग्राम के जो है वो वेट रखा है, मास रखा है, कोई भी चीज मास वेट रखा है 4 ग्राम का। तो इसको हम, तो हम कहेंगे कि ये पेंसिल का वेट कितना है, 4 ग्राम का है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 ग्राम रखे हैं, तो देर आर 4 ग्राम, द मास ऑफ द पेंसिल इज 4 ग्राम। कहेंगे इस पेंसिल का मास कितना है, 4 ग्राम। किलोग्राम इज अनदर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किलोग्राम भी एक यूनिट है मास को मेजर करने के, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टू गेट दिस, दिस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अभी आटा है, एक तरफ तराजू की आटा रख दिया, दूसरी तरफ केजी का बट्टा रख दिया, 1 केजी का वेट रख दिया, 1 केजी का मास रख दिया, तो हम ये कहेंगे कि देर इज अ 1 केजी, द मास ऑफ फ्लोर इज 1 केजी। तो फ्लोर का मास कितना है, 1 केजी, 1 केजी। लुक एट द पिक्चर, राइट द मास ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट का मास लिखना है। अब ये बॉल है, दूसरी तरफ हमने 2 बार रखी तो तराजू बराबर हो गया, ठीक है ना, तो उसका मतलब है ये बॉल का वेट कितना है, बॉल का मास कितना है, कितने ग्राम रखे हुए, 1 2 2 ग्राम। ठीक है ना, तो द मास ऑफ द बॉल इज, द मास ऑफ द बॉल इज 2 ग्राम, 2 g भी लिख सकते हैं यूनिट है, या पूरा लिखना चाहते 2 ग्राम। ठीक, और द मास ऑफ, अगर 1 kg का एक बॉक्स रखा हुआ है तो फिर द मास ऑफ, अब ऑरेंज नहीं, ऑरेंजेस है, 7 ऑरेंजेस है तकरीबन, ऑरेंजेस आर 1 kg इज, ठीक है ना, इंग्लिश मेरी ऐसी है भाई, इज कितना है, 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 1 kg। ठीक, मास ऑफ अ ब्लॉक इज, ब्लॉक्स और 2 kg, 2 kg। ठीक है, इसी तरीके से कोई चीजें हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुख्तलिफ चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स आर 4 ग्राम, 4 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम के रखे हुए 4 पीसेस। द मास ऑफ अ मैंगो इज 5 kg। अब आम है, उसका जो मास है वो कितना है, 5 kg है, 5 किलो। द मास ऑफ एप्पल इज 2 kg, एप्पल्स है उसका मास कितना है, 2 kg। तो टोटल मास ऑफ एप्पल और मैंगो का टोटल मास कितना हो, एडिशन है, ठीक है, यानी मैंगोज है आपके पास, ठीक है ना, 5 किलो आम है आपके पास, कितने किलो आम है, आप उसको लिख लो बेशक समझने के लिए, ठीक है ना, कि मास ऑफ द मैंगोज आर, मैंगोज इज इक्वल टू लिखता हूँ,
एंगल इज इक्वल टू पाई एफ एच एंड मास ऑफ मास ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू कितना है 2 kg. सो टोटल मास कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 kg एप्पल्स है प्लस 2 kg ऑरेंजेस है तो इज इक्वल टू 7 kg. हम कहेंगे कि 7 kg मास है दोनों का. ठीक है, अहमद ब्रॉट 18 kg ऑफ आइस, ही यूज 3 kg ऑफ आइस, हाउ मेनी केजी. अब अहमद कितना लाया, टोटल आइस कितनी थी उसके पास, टोटल आइस 18 kg थी उसके पास. ठीक है ना, उसमें से 3 kg उसको इस्तेमाल कर ली तो अहमद यूज्ड इक्वल टू, या अहमद कंज्यूम्ड इक्वल टू कितने कंज्यूम कर लिए उसने 3 kg. सो रिमेनिंग आइस इक्वल टू, तो कितनी बची फिर 18 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 और 1 ऐसे रहेगा तो 15 kg. सबट्रैक्शन है ये सिंपल. ठीक, अब किसी चीज की कैपेसिटी मालूम करनी है यानी कि उसकी मकदार. ठीक है ना, ये मेजरमेंट्स का चैप्टर है, लेंथ मेजर करना सिखाई गई है पहली चीज, फिर मास मेजर करना सिखाया गया है दूसरी चीज, अब कैपेसिटी मेजर करना सिखाई जा रही है लीटर्स मिली लीटर्स. ठीक है, लिक्विड जो है ना उसको हम कैपेसिटी, देखिए लुक एट द जग, जग को देखिए आप, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसके अंदर कितने गिलास पानी आ सकता है. द जग कैन होल्ड 3 glasses ऑफ वाटर, जग में से हमने पानी डाला है, पहले इसमें डाला, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, तो उसका मतलब है 3 glasses ऑफ वाटर जग के अंदर पानी आ सकता है. इन सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट विल होल्ड लेस वाटर देन द जग, अब जग से कम पानी इन तीनों में से कौन सी चीज के अंदर आ सकता है, कप के अंदर ऐसी बात है 3 glass पानी नहीं आ सकता. ठीक है, ज्यादा पानी जग से किस में आ सकता है, अब जग में जग से ज्यादा पानी कप में तो नहीं आ सकता, बाल्टी में आ सकता है. ठीक है ना, तो उसको सना वांट्स टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर दैट दिस पॉट कैन होल्ड, अब सना ये जानना चाहती है कि ये जो पॉट है, ये जो पतीली है, इसमें कितने गिलास पानी आ सकता है, ये जानना चाहती है सना. कैसे जानेगी, द पॉट कैन होल्ड 2 jugs ऑफ वाटर, अब पॉट के अंदर 2 jug पानी के 2 jug जो है वो आ सकते हैं, ईच जग कैन होल्ड 1 liter, हर जग के अंदर कितना पानी आ सकता है 1 liter, और इस पॉट के अंदर कितना पानी आ सकता है 2 jugs यानी 2 liter. तो लीटर जो है ना ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ मेजरमेंट यूज टू मेजर कैपेसिटी, किसी भी चीज की कैपेसिटी मालूम करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो होती है लीटर. ठीक है ना, लेंथ को मालूम करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर. मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो होती है ग्राम या किलोग्राम या मिलीग्राम या माइक्रोग्राम का भी पड़े ग्राम से बेसिकली. लेकिन जो कैपेसिटी किसी भी चीज की मकदार को मालूम करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो होती है लीटर या मिलीलीटर या किलोलीटर, आगे हम उसको डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे. तो लीटर है वो, वी कैन राइट इट एज एल, लीटर को एल से जाहिर करते हैं. ठीक है ना, द पॉट कैन होल्ड 2 liter ऑफ वाटर, तो पॉट के अंदर 2 liter वाटर आ सकता है क्योंकि 2 jug वाटर जब उसमें डालेंगे तो भर जाता है, इसका मतलब है एक जग में 1 liter है तो 2 jug डालेंगे तो 2 liter वाटर में फुल हो जाएगा. मिली लीटर इज ऑल्सो स्टैंडर्ड यूनिट, मिली लीटर भी स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, उसको हम ml से जाहिर करते हैं. लुक एट दिस जग, इस जग को देखें, देयर आर 200 milliliters ऑफ वाटर, इसके अंदर 200 milliliter है वाटर. ठीक है ना, क्योंकि एक लीटर जो है ना जब 1000 milliliters होते हैं, 1000 milliliters मिलकर 1 liter बनाते हैं. ठीक है, अब यहां यहां देखें, यहां 50 milliliter है, 100 milliliter, 200 milliliter, 300 milliliter, 400, 500, 600, 700, 900 और 1000 milliliter, ये मिलकर एक 1 liter बनाते हैं. 1 liter इज इक्वल टू 1000 milliliter. तो अब इसके अंदर कितना पानी है, 200 milliliter पानी. देखिए यहां तक बराबर है पानी. लुक एट द मेजर जग, लुक एट द मेजरिंग जग, राइट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द जग. ठीक है ना, कितना मिलीलीटर पानी भरा हुआ है, इसमें देखिए 600 milliliter भरा हुआ है. ठीक है, इसमें कितना 500 भरा हुआ है, इसमें 900 भरा हुआ है. ठीक है, देर आर 400 liters ऑफ वाटर इन द टैंक, एक टैंक है पानी का उसमें 400 liter पानी, 80 liter ऑफ वाटर इन अ पॉट, एक पॉट है पथीली उसके अंदर कितना वाटर है, 80 liter पानी है उसके अंदर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, तो टोटल वाटर कितना हो गया, तो वही चीज है आप उसको लिख लें. ठीक है ना, वाटर इन टैंक इज इक्वल टू कितना है,
400 liters, और वाटर पॉट इक्वल टू 80 liters. टोटल वाटर इक्वल टू 400 टैंक में, 80 पॉट में, दोनों को जब करेंगे टोटल बैठा दीजिए 400 प्लस 80, आप करेंगे एडिशन सिंपल जो समझा चुके 480 लीटर आपके पास आते हैं टोटल बैठा. 20 लीटर ऑफ वाटर बॉटल, ठीक है ना, हसन ड्रिंक 3 लीटर वाटर, ठीक है ना, वाटर बॉटल कैपेसिटी चैप्टर का नाम क्या है, कैपेसिटी, ठीक है ना. टोटल कैपेसिटी कितनी थी, टोटल कैपेसिटी बॉटल में, बॉटल कैपेसिटी कितनी थी, 20 लीटर था टोटल पानी बॉटल के अंदर. हसन ने कितना ड्रिंक कर लिया उसमें से, हसन ड्रिंक्स 3 ड्रिंक्स इक्वल टू 3 लीटर से ड्रिंक कर लिया, तो रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की कैपेसिटी जो बच गई वो कितनी बची, 20 था 3 पी लिया तो 20 में से 3 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 17 लीटर, इसका मतलब उसके पास पानी बचा, ठीक है. अब ये फ्रैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, और ये समझोगे मतलब हिस्से करने, ठीक है ना, कुरान में भी जायदाद के मसले हैं, बहन का इतना हिस्सा, भाई का इतना हिस्सा, ठीक है ना, बीवी का इतना हिस्सा, बीवी के बच्चे हैं तो उसका इतना हिस्सा, ये सब चीजें आपको अगर फ्रैक्शन पता होगा तो आपको ये चीजें करना आसान होगी, ठीक है ना, यानी किसका कितना हिस्सा होगा, उस प्रॉपर डिविजन का इसमें फैक्टर आता है. लुक एट द सर्कल, सर्कल को आप गौर से देखें, इट इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट, इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ा गया है ये लाइन के जरिए, ठीक है. वन पार्ट आउट ऑफ टू इज कलर्ड, एक पार्ट में कलर हुआ है, एक में नहीं हुआ, तो हम इसको कहेंगे कि सर्कल के टोटल कितने पार्ट हैं, दो, इसमें से एक पार्ट पर कलर हुआ है, तो हम कहेंगे कि 1/2 ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, यानी सर्कल के कितने टोटल दो पार्ट है, इसमें से एक कलर हुआ है, तो 1/2 ऑफ अ सर्कल, सर्कल का 1/2 हिस्सा कलर हुआ है, सर्कल का 1/2 हिस्सा कलर हुआ, एक मटा कलर, 1/1 कह लें आप इसको, ठीक है ना. द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, सर्कल के चार हिस्से किए गए, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इज कलर्ड, चार में से सिर्फ एक हिस्से पर कलर हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि 1/4 ऑफ अ कलर इज कलर्ड, ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, यानी सर्कल के टोटल 4 पार्ट्स और एक पर सिर्फ कलर हुआ है, तो हम कहेंगे कि 1/4 या 1/4, 1/4 भी कहते हैं इसको, 1/4, 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल, सर्कल का 1/4 कलर्ड है, कलर्ड, ठीक. 3 में से फिर इसको हम कहेंगे कि 1/3 ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, 1/2 इसके दो पार्ट बनाए गए हैं, तो हम कहेंगे कि 1/2 ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड, ठीक है ना, वी से 1/2 ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड, the square is divided into 4 equal parts, 1/4 of a square is colored, we say 1/4 of the square is colored, ठीक है ना, half और quarter में फर्क समझ ले, half कहते हैं दो में से अगर एक पे कलर हुआ है तो उसको कहेंगे कि half, ठीक है ना, लेकिन चार में से अगर एक पे हुआ है तो उसको कहेंगे quarter, ठीक है ना, quarter, चार, quarter means 4 और half means 2, half means 2, the square is divided into 3 parts, और उसमें से एक पार्ट पे कलर हुआ है, तो हम इसको कहेंगे 1/3 ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड, या इसको बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे 1/3 ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड, यानी स्क्वायर का 1/3 जो है वो कलर हुआ है. लुक एट द रेक्टेंगल, तो हम इसको कहेंगे 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड, कितना, 1/3, द रेक्टेंगल इज 3 पार्ट, सो वी विल राइट 3 अंडरलाइंस, 3 लाइन आपको मैंने लिखी है, फिर आप नंबर काउंट करेंगे कितने पार्ट पर कलर हुआ है, तो एक पे हुआ है तो एक लिख देंगे फिर आप, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, 1/3 ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड. अब एग्जांपल्स हैं, इसको आप खुद ही कर सकते हैं, इन द फॉलोइंग लुक एट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, देन लुक एट द कलर पार्ट्स, राइट द फ्रैक्शन दैट इज कलर्ड, कितने पार्ट्स है टोटल, 4 पार्ट्स, कितने हैं भाई, 4, कलर कितने पे हुआ है, 1 पे, तो हम कहेंगे क्वार्टर ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, या 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, कितने पार्ट्स है, 3,
अगर कितने पे हुआ वन पे, तो हम बोलेंगे डॉफर रेक्टेंगल इज करेक्टेंगल इज कलर्ड। ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, दो साइड्स इक्वल है इसकी, तो रेक्टेंगल तो है, लेकिन रेक्टेंगल के तीन पार्ट हो गए, तीन पार्ट में से एक पार्ट भी कलर हुआ, तो थ्री पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल, वन थर्ड ऑफ रेक्टेंगल इज कलर्ड। और इसको हम कहेंगे फोर पार्ट ऑफ सर्कल है, स्क्वायर है, इसकी चारों साइड एक है, लेकिन इस स्क्वायर के भी चार हिस्से हुए हैं, यानी कितने टोटल पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स हैं। कलर कितने पर है, एक पार्ट से, वन फोर्थ या क्वार्टर ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड। ठीक, क्वार्टर ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड, हाफ ऑफ द सर्कल इज कलर्ड, ये हाफ है, ठीक है ना, वन ओवर टू है, दो में से एक हाफ, और इस तरीके से हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड। लुक एट द सर्कल, कलर वन थर्ड ऑफ द सर्कल, वन थर्ड, वन आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट, वन थर्ड का मतलब वन आउट ऑफ तीन में से एक, तीन में से एक, वन थर्ड का मतलब तीन में से एक, वन टू का मतलब दो में से एक या हाफ, वन फोर का मतलब चार में से एक या क्वार्टर, तो वो बोल रहा है कलर करना है। ठीक है, वन थर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल के थ्री पार्ट है, इसके किसी एक हिस्से में आपने कलर करना है, कोई भी एक हिस्से में आप कलर कर दे, तो इसको हम कहेंगे वन थर्ड ऑफ अ सर्कल इज कलर, वी कलर करके दिखा देना। लुक एट द स्क्वायर, वन फोर्थ ऑफ द स्क्वायर, फोर हिस्से स्क्वायर के, इसमें से वन हिस्से में कलर करना है, तो उसको हम कहेंगे क्वार्टर ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड या वन फोर्थ ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड। इन द वॉल्यूम लुक एट द फ्रैक्शन एंड कलर द फिगर, फिगर को कलर करें, थ्री पार्ट्स है, एक स्क्वायर है एक, ठीक है ना, इसके थ्री पार्ट्स है, वन टू थ्री, वन पार्ट में कलर करना, वन पार्ट में इसके कलर करना, इसको हम कहेंगे वन थर्ड ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, यानी सर्कल के आधे पार्ट पे कलर करना। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, इसका मतलब क्या है, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड या वन फोर्थ ऑफ द सर्कल इज कलर्ड, हाफ ऑफ द स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड, क्योंकि इसकी दो साइडें बराबर है, चारों साइडें बराबर नहीं, ये कम है ये थोड़ी ज्यादा है, हाफ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, या वन टू ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड, वन फोर्थ ऑफ अ स्क्वायर इज कलर्ड, या क्वार्टर ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड, वन थर्ड ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड, वन थर्ड ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड, रेक्टेंगल का तिहाई हिस्सा कलर किया गया है। फ्रैक्शन के बारे में मजीद, लुक एट द सर्कल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल इज कलर्ड, अब इस फ्रैक्शन के कौन से हिस्से को कलर किया, आप सबसे पहले तो इसके फ्रैक्शन हिस्से बनाए, कितने हिस्से हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल कितने हैं, एट, तो इसका मतलब है टोटल तो है भाई एट हिस्से इसके, इसमें से सिर्फ एक पर कलर हुआ, तो उसको हम कहेंगे वन ओवर एट, ठीक है ना, वन ओवर एट, यानी वन ओवर एट, एट वन ओवर एट ऑफ अ सर्कल, वन ओवर एट ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, वन ओवर एट ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, वो लिखेंगे वन, वही चीज जो मैंने बताई उसको स्टेप बाय स्टेप वो समझा रहे हैं, स्टेप टू ये है कि वन लिखा जाएगा, स्टेप थ्री वन ओवर एट ऑफ अ कलर इज कलर्ड, ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, ठीक है, ये आंसर है। अब इसमें कितना है, एट पार्ट है, कितने पार्ट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट है, ठीक है ना, सिक्स पार्ट है, इसमें से एक पर कलर को, तो वन ओवर सिक्स ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, वन ओवर सिक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पार्ट है, वन ओवर फिफ्थ ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर इज कलर्ड, वन ओवर फिफ्थ, फाइव है उसमें से वन पे कलर है, वन ओवर फिफ्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड, एंड एट, वन ओवर एट टोटल है और एक पे कलर है, वन ओवर एट ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड। रीड द फ्रैक्शंस मैच इट विद द करेक्ट फिगर, फ्रैक्शन को रीड करें और करेक्ट फिगर से मिलाए, अब मैच करना है इसको, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व फ्रैक्शन हुए हैं, ट्वेल्व फ्रैक्शन, इसमें से एक पर कलर है, यानी वन ओवर ट्वेल्व है, ठीक है ना, वन ओवर ट्वेल्व ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड है, कलर्ड है, वन ओवर ट्वेल्व का ये रहा, तो उसका अंदर ये जाके मिलेगा, ये उससे जाके मिलेगा, ठीक है, ये कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, आगे सिक्स, वन ओवर सिक्स है, यानी सिक्स में से एक पे कलर हुआ है, तो ये इसको हम कहेंगे वन ओवर सिक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कलर्ड, वन ओवर सिक्स का है भाई, ये इससे मैच कर जाएगा, ये वन ओवर फिफ्थ है, इससे मैच कर जाएगा, वन ओवर फोर्थ है, इससे मैच कर जाएगा, ठीक, उसके बाद ये लास्ट चैप्टर है टाइम, वक्त के बारे में, ठीक है ना, टाइम देखना हर एक को आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें भी टाइम भी क्योंकि नंबर है, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो इसको भी
मैथमेटिक्स में शामिल है। अ क्लॉक टेल इज द टाइम, घड़ी हमें क्या बताती है, टाइम बताती है। इट हैज मिनट हैंड एंड अ आवर हैंड, इसके अंदर एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। छोटी वाली सुई आवर हैंड कहलाती है, बड़ी वाली सुई मिनट हैंड कहलाती है। द लॉन्गर हैंड इज अ मिनट एंड इट शोज द मिनट, छोटा हैंड इज आवर हैंड इट शोज द आवर्स। छोटी आवर बताती है, बड़ी मिनट बताती है। बड़ी छोटी कैसे, लेंथ देखिए इसकी ज्यादा इसकी कम, ठीक। व्हेन द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 12 वी रीड द टाइम एज ओ क्लॉक, 0 o'clock, ओ क्लॉक, ठीक है ना। जब मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 12, जब मिनट की जो ये मिनट की है और ये आवर्स की, जब मिनट की नीडल 12 पर हो तो हम इसको क्या कहते हैं, ओ क्लॉक कहते हैं, ओ क्लॉक, ठीक है ना। और बड़ी वाली जहां पर भी हो, अगर ये 2 पर है तो 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ठीक है ना। यानी बड़ी वाली नीडल अगर 12 पर है तो ओ क्लॉक कहते हैं उसको। मैच द क्लॉक विद द करेक्ट टाइम, आप देखें बड़ी सुई तो 12 पर है तो ओ क्लॉक पर है, लेकिन छोटी सुई आवर वाली कहां पर है, 5 पर है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, 5 o'clock, ये क्या हो रहा है, 9 o'clock, ये क्या हो रहा है, 11 o'clock, ठीक है ना। तो ये 5 o'clock इससे मैच हो जाएगा, 9 o'clock इससे मैच हो जाएगा, और ये 11 o'clock, ठीक। रीड द टाइम मेक हैंड्स ऑन द क्लॉक, अब क्लॉक पे आपने छोटी बड़ी सुई बनानी है। 10 o'clock, ओ क्लॉक के लिए तो बड़ी सुई को तो सबसे पहले 12 पे ले जाए, तो इसका मतलब है ओ क्लॉक, अब कितना 10, तो छोटी सुई कहाँ आएगी, 10 पे, आवर्स की जो नीडल है वो 10 पे आएगी, तो ये 10 o'clock हो गया, ठीक है ना। अब 6 o'clock, ओ क्लॉक का मतलब तो आप बड़ी नीडल को 12 पे ले जाए, छोटी नीडल को आप 6 पर ले जाए, तो ये 6 o'clock हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी ये 3 o'clock, यानी ओ क्लॉक तो 12 पे आ गया, बड़ी नीडल, छोटी नीडल जो आवर्स की नीडल है वो 3 पे आ जाएगी। मिनट्स की नीडल 12 पर, इसका मतलब ओ क्लॉक, और आवर्स की नीडल क्या लिखा हुआ है, 1 लिखना है आपने, 1 o'clock, आवर्स की नीडल 1 पर आ जाएगी, जो कि स्मॉल नीडल होगी, ये 1 o'clock हो गया। लुक एट दिस क्लॉक, इस क्लॉक को देखिए, द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट की जो नीडल है या हैंड है वो कहाँ पर है, 12 पर है, एंड आवर हैंड इज एट 3, और आवर की जो नीडल है या हैंड है वो कहाँ है, 3 पर। द मिनट हैंड वांट्स टू मूव फ्रॉम 12 टू 1, जो मिनट की जो नीडल है वो 12 से 1 पे मूव होना चाहती है। इट विल काउंट टिल 5 टू रीच नंबर 1, तो इसको कितना काउंट करना पड़ेगा, 5 काउंट करना पड़ेगा आगे, तब ये 1 पे पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि देखिए देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब है 12 से 1 पे, अगर इस बड़ी नीडल को 12 से 1 पर आना है तो 5 काउंट्स करना पड़ेगा, 5 मिनट्स आगे जाना पड़ेगा, वो फिर ये 1 पर आएगी, ठीक है ना। तो देखिए 3 o'clock पे थी जब ये 5 इसको हमने मूव करा, तो ये 1 पर आ गई, ठीक है। इट विल अगेन काउंट स्टिल 5 टू रीच नंबर 2, अब इसको फिर दोबारा 5 काउंट करना पड़ेगा अगर इसको 2 पे आना है, फिर अगर इसको 3 पे आना तो फिर 5 काउंट करना पड़ेगा, फिर इसको 4 पे आना तो फिर 5 काउंट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ये चक्कर चलता रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स द लॉन्ग हैंड इज मूविंग आर कॉल्ड मिनट्स, अब जितने टाइम्स ये आगे मूव कर रही है इसको हम कहेंगे मिनट्स, ठीक है ना। टाइम देखना बताया जा रहा है बेसिकली मिनट्स, यानी ये 12 पे थी, अब 12 से ये कितने आगे आई थी, 1 पे पहुंच गई, 5 आगे आई, तो इसका मतलब है 5 मिनट्स, फिर आगे और इतना कितना आई, 5 के बाद 5 और आई, यानी 5 और एड हो गया, तो पहले 2 पे आ जाएगी, तो फिर 5 और एड करेंगे तो 3 पे आ जाएगी, तो ये टोटल 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, यानी जब ये बड़ी क्लॉक 3 पर होगी, बड़ी बड़ी हैंड जो है, बिग हैंड जो है या बिग नीडल, व्हेन इट इज एट 3 इट मींस 15 मिनट्स फास्ट अवे, व्हेन इट इज एट 2 इट मींस 10 मिनट फास्ट अवे, ठीक। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, लेट्स काउंट इन 5, टोटल मिनट्स कितने होते हैं क्लॉक में, चले उसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें 12 12 पर है बिग नीडल या बिग हैंड, तो बिग हैंड इज एट 12, ओके, बड़ी नीडल 12 पर है, जब वो 1 पर आई तो इसका मतलब है 5 मिनट्स गुजर गए, जब वो 2 पर आई तो 5 और गुजर गए, यानी 10 मिनट्स गुजर गए, जब वो 3 पर आई तो 5 और गुजर गए, यानी 15 मिनट्स गुजर गए, फिर 20 25 30, जब वो 7 पर आई तो 35, जब वो 8 पर आई तो 40, जब वो 9 पर आई तो 45, जब 10 पर आई तो 50, 11 पर आई तो 55, और फिर दोबारा जब 12 पर आई तो 60, इसका मतलब है 60 मिनट्स, इट टेक्स 60 मिनट्स फॉर द आवर एंड टू मूव फ्रॉम 3 टू 4, अब वो आवर एंड की बात कर रहे हैं। अब देखें ये आवर एंड 3 पर थी, लेकिन जब ये 5 पर आई तो ये थोड़ी सी नीचे हो गई, जब ये 10 पर आई तो थोड़ी और नीचे हो गई, 15 पर आई थोड़ी और, इस तरह ही आहिस्ता 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 नीचे होती गई होती गई होती गई, जब ये देखें 12 पर पूरी घूम के बड़ी नीडल जब 12 पर वापस आ गई तो ये 3 से 4 पे शिफ्ट हो गई। छोटी नीडल जब बड़ी बड़ा हैंड बड़ी हैंड यानी बड़ी नीडल जब 12 का पूरा एक चक्कर काटती है, यानी 60 मिनट्स का पूरा एक चक्कर काटती है, तो छोटी नीडल एक मूव होती, तो छोटी नीडल जो कि आवर हैंड जैसे कहते हैं तो वो एक मूव होती, ठीक है ना। तो यानी 60 मिनट्स जब बड़ी नीडल मूव करती है तो जो आवर हैंड वाली नीडल है वो एक मूव करती है, वन मूव करती है,
ठीक है ना, 12 से 1 2 3 वो पूरा चक्कर 50-60 मिनट्स का लगाती है ये बड़ी वाली निडल, तो ये छोटी वाली निडल 3 से 4 पर आ जाएगी। फिर अगला चक्कर जब वो लगाएगी तो ये 4 से 5 पर आ जाएगी। ठीक, लुक एट दिस क्लॉक, द आवर एंड इज एट 3। आवर एंड कहाँ पर है? ये आवर एंड है, ये मिनट एंड। आवर एंड 3 पर है, मिनट एंड कहाँ पर है? 1 पर है। दिस मीन्स इट इज 5 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock। इसका मतलब क्या है? 3 o'clock, 3 o'clock क्या था? 3 जब ये बड़ी निडल, बिग निडल, मिनट निडल 12 पर थी तो ओ क्लॉक होता है, और ये छोटी निडल 3 पर थी तो इसका मतलब है 3 o'clock। लेकिन अब ये बड़ी निडल यहाँ 1 पर आ गई, यानी 5 मिनट आगे चली गई। अगर ये और यहाँ होती तो 10 मिनट आगे होती, तो 5 मिनट आगे चली गई इसका मतलब है। ठीक है ना, तो यानी 3, इट मीन्स दैट 5 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock, 3 o'clock आफ्टर के बाद 5 मिनट्स ये और गुजर चुके हैं, इसका मतलब ये। ठीक, लुक एट दिस क्लॉक। अब इसमें ये कितना है? 3 o'clock। तो यहाँ जब ये बड़ी वाली अगर 12 पर होती, 3 o'clock, 1 पर होती तो 5 मिनट्स पास हो जाते। अभी ये 2 पर है, इसका मतलब 5 और 10 मिनट पास हो गए। तो द आवर एंड इज एट 3, वी राइट 3 ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पर तो हम 3 लिखेंगे, क्योंकि आवर एंड कहाँ है? 3 पर। द मिनट हैंड इज एट 2, मिनट हैंड कहाँ पर है? 2 पर है। दिस मीन्स 10 मिनट्स, इसका मतलब है 10 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक है, तो आफ्टर 3 o'clock, 10 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock गुजर चुके हैं। 3 o'clock से 5 मिनट, 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो वी राइट 10 ऑन द राइट साइड पर हम 10 लिखेंगे। तो ये टाइम को लिखने का तरीका है। 3:10 हो रहे हैं, 3 hours 10 minutes, we read this as 3:10, इसको हम 3:10 पढ़ते हैं। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखिए 9 और बड़ी वाली क्या है? 6 पर है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 मिनट गुजर चुके हैं, तो उसको हम 9:30 लिखेंगे। ठीक, लुक एट द क्लॉक, राइट द नंबर अंडर इसको, नंबर लिखना है। ठीक है ना, अब देखें ये 6, अब यहां से अगर आप शुरू करते हैं 12 से, तो ये देखें 5, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स और फिर 40 मिनट्स। इसका मतलब है 40 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, 6 o'clock के बाद 40 मिनट्स गुजर चुके। ठीक है, तो उसको हमने राइट लिखना है, इट्स 40 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, 6 o'clock ऐसे लिखिए, 6 o'clock। ठीक है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 6 आवर एंड कितने लिखे आप? 6 रेशो, मिनट एंड में क्या लिखे आप? 40, 6:40। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, 4 और मिनट्स कितने हो गए? 2 बारह तो 10 मिनट्स हो गए। ठीक है, 4:10 लिख सकते हैं इसको आप, 9:25 लिख सकते हैं इसको आप, 3:05 लिख सकते हैं। ठीक है, 3:05 लिखते तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और इसको आप 1:50 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 12:30 लिख, 12:30 लिख सकते हैं। ठीक, या मे बी 11:30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक है, सही निडल नहीं हुई। अब ये उसकी थोड़ी सी वो है कि अली वेक अप सेट 8:15 इन द मॉर्निंग। अली सुबह कब उठता है? 8:15 पर। ठीक है ना, यानी 15 मिनट्स पास्ट 8, या इट्स 15 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, 10 मिनट्स आफ्टर होगा। ठीक है ना, 15 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, यानी अली वेक्स अप एट 15 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock या 8:15। ठीक है, अली स्लीप्स कब होता है? 8:15 एट नाइट, रात को 8:15 पर, यानी अली सो जाता है, यानी 8 hours 15 minutes, 15 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। व्हेन अली वेक अप वी से इट्स 8:15 AM, व्हेन अली गोस टू स्लीप वी से इट्स 8:15 PM। ठीक है ना, अब AM PM को समझाया जा रहा है। ठीक है, जब ये आवर की जो क्लॉक है ना, व्हेन वी यूज AM टू टॉक अबाउट टाइम जस्ट आफ्टर 12 एट नाइट टू जस्ट बिफोर 12 इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, ये आवर की क्लॉक है, ये आवर की क्लॉक, जब ये बड़ी क्लॉक 60 मिनट्स पास करती है, यानी पूरा एक चक्कर लगाती है, तो ये एक आगे बढ़ती है, फिर अनदर 60 मिनट्स का बड़ी है मिनट हैंड वाली नीडल चक्कर लगाती है, फिर ये 3 से 4, 4 से 5 होता है। जब ये छोटी यानी आवर एंड की नीडल पूरा 12 का चक्कर लगा देती है, तो ये पूरा AM होता है, फिर जो अगला ये 12 का चक्कर लगाएगी तो वो PM होता है। ठीक है, तो सुबह से लेकर यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक AM कहलाता है, फिर सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक PM कहलाता है। ठीक, वी यूज PM टू टॉक अबाउट द टाइम जस्ट आफ्टर 12 इन द नून टू जस्ट बिफोर 12 एट द नाइट। ठीक है ना, दोपहर को 2 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होता है, और फिर रात के 12 बजे से सुबह
इसके 12 बजे तक एएम होता है। वी गो टू स्कूल एट 8 AM या PM? सुबह आप AM में स्कूल जाते हैं या PM? जाहिर सी बात है AM में, क्योंकि रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक AM होता है, तो 8 बजे सुबह की बात है, उसका मतलब है AM। ज़ारा आप ब्रेक नाश्ता कब करती है? नाश्ता तो सुबह ही किया जाता है, तो AM 9 AM, ठीक है ना। स्लीप, सोने कब जाती है वो? सोने रात को जाती है, सोते 10। अब 10 AM तो नहीं सो सकती, 10 PM, ठीक है ना। मंथ्स ऑफ द ईयर के बारे में, यानी साल में कितने महीने होते हैं। अली इज बर्थडे इज इन अप्रैल, अली की जो सालगिरह है वो अप्रैल में होती है। ज़ारा बर्थडे इज इन जुलाई, ज़ारा की जो सालगिरह है वो जुलाई में होती है। अप्रैल एंड जुलाई आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स, तो अप्रैल और जुलाई इसमें क्या है, महीनों के नाम है, ठीक है। मंथ्स के बारे में बताया जा रहा है कि पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना। इस्लामी भी मंथ होते हैं, यहाँ तो जो ग्रीगोरियन जो है कैलेंडर है उसको पढ़ाया जा रहा है। इस्लामी मंथ भी होते हैं, वो हम इस्लामियत इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो है मुहर्रम, सफर, ज़िकर, तिलहज, शाबान, रमजान, ठीक है ना, वो सारे। लेकिन यहाँ पर हैव यू सीन अ कैलेंडर, क्या आपने कैलेंडर देखा है? इट शोज ऑल द मंथ्स एंड डेट्स ऑफ द ईयर, इसमें सारे मंथ्स और डेट्स दिए हुए होते हैं जो साल में होते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया में यही कैलेंडर चलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में ये सारे वीक्स हैं, ये 7 डेज का एक वीक्स होता है, और फिर ये हर डे 1, 2, 3, 31 डेज होते हैं जनवरी के मंथ में। फरवरी के मंथ में 28 डेज होते हैं, मार्च के मंथ में 21 डेज होते हैं, अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं, इस तरह अगस्त अप टू दिसंबर। विच कम मंथ कम्स आफ्टर जनवरी, जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, बच्चों को याद कराएंगे, तो मंथ जनवरी के बाद फरवरी आता है। विच मंथ कम बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले कौन सा आता है? जुलाई से पहले देखें जून आता है, ठीक है। तो ये जो है वो चैप्टर खत्म हो गया, ग्रेड 2 की जो है वो मैथमेटिक्स अलहमदिल्ला खत्म हो गई है। अब हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेड 3 को स्टार्ट करेंगे, और अब तक के इस पूरे ग्रेड 2 की मैथमेटिक्स में किसी भी किस्म का कोई भी आपको सवाल हो आप पूछिए, इंशाल्लाह मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.